friends, welcome to our YouTube channel. So today we will start with our subject income tax, and today's topic is tax planning and tax management. So today we will discuss about what is tax planning and what is tax management, and we will discuss other important definitions also. So let's start. What is tax planning? Jaisa ki naam hai, tax planning. So tax planning means plan a tax. Tax plan करके कैसे चलेंगे? That is tax planning. Tax planning is an art and an exercise of arranging financial affairs of taxpayer so as to reduce or delay the tax payment which would be necessary if the words of tax laws were to be followed in the obvious manner. So it is written in this way also. Tax planning therefore may be defined as arrangement of one's financial and tax affairs in such a manner that without violating in any way legal provisions under the tax and other laws, full advantage is taken of all tax exemptions, deductions, concessions, rebates, allowances, reliefs and benefits permit under the tax laws. So what is tax planning? टैक्स प्लानिंग मीन्स एक इंडिविजुअल पर्सन को टैक्स पे करना, मीन्स एक एसएससी को टैक्स पे करना, जिसकी इनकम पे टैक्स लगा उसे टैक्स पे करना है. बट टैक्स पे क्यों करना है? बट एक पर्सन अपने टैक्स को प्लान कैसे करे? हर इंडिविजुअल पर्सन ये चाहता है कि उसकी रियल इनकम तो ज्यादा से ज्यादा हो और टैक्स उसे कम से कम पे करना पड़े. तो जब हम इस तरीके से मैनेज करते हैं कि टैक्स को कम से कम पे करना पड़े और रियल इनकम उसकी ज्यादा से ज्यादा हो, देन इट विल कम इन टैक्स प्लानिंग. रियल इनकम ज्यादा से ज्यादा का मतलब टैक्स कम से कम पे करने का मतलब जो भी गवर्नमेंट की दी हुई अदर फैसिलिटीज है, अलाउंसेस, रिलीफ, रिबेट्स, डिडक्शंस, वो एक इंडिविजुअल पर्सन वो सारी भी चाहता है और टैक्स में कम से कम टैक्स पे करना भी चाहता है. तो गवर्नमेंट ने जितनी भी एग्जेंप्शन दी है, डिडक्शन दी है, जिसके थ्रू उसकी अमाउंट माइनस होगी, डिक्रीज होगी, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज वो अवेल करेगा. तो इस तरीके से जब वो एक प्लान वे में चलेगा और सारी की सारी मिनिमम गवर्नमेंट की फैसिलिटीज को भी अवेल करेगा और उसको टैक्स भी मिनिमम टू मिनिमम पे करना पड़ेगा. जब इस तरीके से प्लानिंग की गई होगी तो इट इज कॉल्ड टैक्स प्लान. नेक्स्ट, एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स प्लानिंग. क्या क्या एलिमेंट्स है कैरेक्टरिस्टिक्स है टैक्स प्लानिंग के? फर्स्ट पॉइंट इज टैक्स प्लानिंग इज लीगली रिकॉग्नाइज एज पर लीगल रूल्स गवर्नमेंट ने बनाया है. तो टैक्स प्लानिंग एक लीगली रिकॉग्नाइज है. अगर हम सही तरीके से टैक्स प्लान कर रहे हैं और गवर्नमेंट की दी हुई सारी एग्जेंप्शन डिडक्शन भी ले रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की दी हुई बेनिफिट्स है और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम टैक्स प्लान कर रहे हैं तो इट इज गुड. तो टैक्स प्लानिंग क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लीगली रिकॉग्नाइज, गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज एंड लीगल. नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इन कनेक्शन विद इनकम एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट. अब हम टैक्स तो प्लानिंग कर रहे हैं बट प्लानिंग किस चीज के कनेक्शन में कर रहे हैं? थ्री पॉइंट्स आर देयर, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट. कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जब टैक्स प्लान करेगा तो थ्री पॉइंट्स के मामले रखेगा, अपनी इनकम को, अपने एक्सपेंडिचर्स मीन खर्चे जितने भी हैं उसके, और वो इन्वेस्ट कितना करना चाहता है. तो दीज ऑल थ्री थिंग्स मस्ट बी कैप्ट इन माइंड बाय एन इंडिविजुअल व्हाइल प्लानिंग अ टैक्स. नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स प्लानिंग इज मॉरल. टैक्स प्लानिंग इज मॉरल एंड फेयर एज इट इज इन अकॉर्डिंग विद द लॉ. टैक्स प्लानिंग इज डन विदाउट वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ. तो इट इज टैक्स प्लानिंग इज मॉरल, मतलब ये एक फेयर प्रोसेस है, गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया प्रोसेस है, गवर्नमेंट के थ्रू ये लीगल है, सही है, हम इस हिसाब से टैक्स को प्लान कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी फ्रॉड नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स प्लानिंग इज इन अकॉर्डिंग विद गवर्नमेंट पॉलिसी. जो भी टैक्स प्लानिंग है वो सब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसीज है. मीन्स अगर आप अपना टैक्स प्लान कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके की डिडक्शन, एग्जेंप्शन या रिबेट्स चाहते हैं तो वो आप अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते. जो भी गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स पॉलिसीज है उसके
अमाउंट को अवेल कर सकते हैं और टैक्स को मिनिमम टू मिनिमम कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, टैक्स पेयर रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी एंड इंक्रीजेस आफ्टर टैक्स इनकम। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही टैक्स पेयरिंग का ये है कि मिनिमाइज करे टैक्स लायबिलिटी को, टैक्स इनकम को कम करे और उसकी रियल इनकम को बढ़ाए। तो कैसे कम होगा, हम प्रॉपर टैक्स पे करें, प्रॉपर गवर्नमेंट की दी हुई फैसिलिटीज को अवेल करें, तो इस तरीके से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिस ऑफ टैक्स। तो जो टैक्स पेयरिंग है इट बेस्ड ऑन एग्जेम्पशन रिडक्शन एंड रिलीफ। बेसिस ऑफ टैक्स का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा दी गई एग्जेम्पशन रिलीफ बेनिफिट रिडक्शन, जब हम ये सारी चीजें यूज करेंगे बेसिस ऑफ टैक्स प्लानिंग, जिसके थ्रू क्या करेगा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इनकम अर्न भी करेगा, एक्सपेंडिचर्स भी उसके पूरे हैं और वो साथ ही साथ सेव भी करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट इज टैक्स प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। टैक्स प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी ना खत्म होने वाला प्रोसेस, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, क्योंकि एक ही साल तो टैक्स प्लान करना ही है। हर साल बजट भी आता है, रेट ऑफ टैक्स भी चेंज होता है, हर साल टैक्स इंपैक्ट किया जाएगा। तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एवरी ईयर वी विल प्लान अबाउट आवर टैक्स। नेक्स्ट इज टैक्स प्लानिंग इज साइंटिफिक। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है। साइंटिफिक टेक्निक कैसे है, ये हमारा दिमाग यूज इंटेलिजेंस, हम अपनी इंटेलिजेंस किस तरीके से यूज कर रहे हैं, किस तरीके से टैक्स का गवर्नमेंट के दिए दिए गए बेनिफिट्स को ज्यादा से ज्यादा अवेल कर पा रहे। सो दिस इज दैट इज वाई इट इज कॉल्ड साइंटिफिक। सो दिस इज ऑल दिस एट पॉइंट्स आर इन टैक्स प्लानिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ वी विल मूव टू फॉर्म्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। फॉर्म्स ऑफ टैक्स प्लानिंग में क्या है, देयर आर फॉलोइंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। हम टैक्स प्लानिंग किस किस तरीके से कर सकते हैं, टैक्स प्लानिंग थ्रू सेविंग्स के थ्रू हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, एक इंडिविजुअल पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर बेस्ड हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग थ्रू इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, इन्वेस्टमेंट्स, इनके थ्रू हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। इनकम अंडर ईच हेड, अंडर ईच हेड का मतलब लास्ट लेक्चर में बताया था इनकम टैक्स के फाइव हेड्स हैं, तो हम उसके थ्रू भी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग बाय चेंजिंग द रेट्स ऑफ रिसीव्स ऑफ इनकम। सो दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, हम टैक्स प्लानिंग को किस रूप में यूज करना चाहते हैं, किस तरीके से प्लान करना चाहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टैक्स प्लानिंग। नाउ वी विल मूव टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। अभी भी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पॉइंट बनाया था, रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी मीन एक इंडिविजुअल असेसी ज्यादा से ज्यादा अपनी इनकम बचाना चाहेगा और टैक्स कम से कम पे करना चाहेगा। तो अगर हम टैक्स को प्रॉपर प्लान करेंगे तो हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन। मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन, अ टैक्स पेयर वांट्स टू पे द टैक्सेस इन मिनिमम एंड टू अवॉइड टैक्स अवॉइडेंस। तो कब मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन मतलब लीगल रूल्स रेगुलेशन से वो बचना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा इनकम बचाना चाहता है और लीगल फॉर्मेलिटी से भी कम बढ़ना चाहता है, तो इस तरीके से वो मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन करेगा। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। टैक्स प्लानिंग क्या है, इट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। अवेयरनेस है ऑफ द टैक्स पेयर टू द टैक्सेशन लॉस। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, सपोज आपको टैक्स पे करना है, अगर आपको गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशन सारे प्रॉपरली पता है कि आप कैसे कम से कम टैक्स पे कर सकते हो, कैसे अपना अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट करो जिससे एक नंबर में भी शो हो और प्रॉपरली इन्वेस्ट भी हो और टैक्स भी कम देना पड़े, तो ये सब कब होगा, जब हमें उसकी अवेयरनेस होगी, जब हमें उसकी नॉलेज होगी, तभी हम प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज हेल्दी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। हेल्दी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी का मतलब अगर हम टैक्स प्रॉपरली पे कर रहे हैं, हम भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश, सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है टैक्स से और डेवलपमेंट फॉर कंट्री उसको यूज किया जाता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है, अगर
without violating any laws, then the taxpayer or tax collector, दोनों property work कर रहे हैं, दोनों happy भी हैं. So these are some objectives of tax plan. Now we will move to types of tax planning. What are the types of tax planning? I will discuss only names of these. Like short term tax planning, जो एक साल से कम टाइम के लिए की जाए, that is short term tax planning. Then long term tax planning, which will be for more than 1 year, that is long term tax planning. That is और investment tax planning, जो investment के regarding की गई है, अपनी investment income के regarding की गई है, that is investment tax planning. Organizational tax planning, कोई भी business organization जब अपने business के regarding tax plan कर रही है, that is organizational tax planning. So this is all about tax planning. So we had already discussed what is the meaning of tax planning, what are its characteristics, what are its forms, what are its objectives, and types of tax planning. So students, this is all the theory part of income tax, and it is very important question. तो आपको इस अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में, मोस्टली थ्योरी में क्वेश्चन आते हैं जो भी मैं अभी यहाँ पर करा रही हूँ. नेक्स्ट टॉपिक एंड इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन. दीज आर टू टर्म्स एंड इट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो व्हाट इज टैक्स अवॉइडेंस? ये थ्योरी, ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भेज दूंगी, बट मैं अभी जो आपको समझा रही हूँ सिर्फ आपको बोला सुनिए. टैक्स अवॉइडेंस क्या है? टैक्स अवॉइडेंस जब एक इंडिविजुअल एसएससी टैक्स तो पे करना चाहता है पर कम पे करना चाहता है और गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ना भी नहीं चाहता, तो कम से कम टैक्स पे करना चाहता है और गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स को वायलेट भी नहीं करना चाहता. तो इट मींस टैक्स अवॉइडेंस, तो वो टैक्स अवॉइडेंस करता है. मींस वो दे भी रहा है इंटेंशनली, मतलब वो अच्छे से प्रॉपरली अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहता है, वो गवर्नमेंट के टैक्स को पे भी करना चाहता है पर कम से कम पे करना चाहता है, तो दैट इज टैक्स अवॉइडेंस. सो दिस इज द पॉइंट. कुछ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग है, टैक्स अवॉइडेंस की जो आती है, कुछ पॉलिसी रखी है. इसके नीचे हम मैंने डिफरेंस किया है टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस का, टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस में डिफरेंस क्या है. टैक्स प्लानिंग लीगल एंड मॉरल है, टैक्स अवॉइडेंस लीगल है बट इट इज इमोरल है, इललीजिबल है. तो इस तरीके से कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं जो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट वी विल मूव टू वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टैक्स इवेजन. टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन या तो लॉ क्वेश्चन में आता है या सेक्शन ए में आ सकता है, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स इवेजन. सो नाउ वी विल मूव टू व्हाट इज टैक्स इवेजन. टैक्स इवेजन जानबूझकर की गई चोरी, इंटेंशनली किया गया फ्रॉड, दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन. अब मुझे टैक्स नहीं पे करना, मैं जानबूझकर टैक्स नहीं पे करना चाहती, तो इस तरीके की चीजें किसमें आएंगी? क्योंकि इंटेंशनली है, मैंने सोच रखा है कि मुझे पे ही नहीं करना, तो इस तरीके की चीजें किसमें आएंगी? टैक्स इवेजन. इवेजन मीन्स चोरी, तो यहाँ पे हम सीधा सा बोले टैक्स की चोरी करना, इट इज टैक्स इवेजन. तो टैक्स इवेजन कैसे किया जाएगा? जो इंटेंशनली होगा, जो जानबूझ के किया गया फ्रॉड होगा, इस तरीके की सारी चीजें टैक्स इवेजन में. डिफरेंस क्या है टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन में? टैक्स अवॉइडेंस इंडिविजुअल पर्सन टैक्स पे करना चाहता है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके, पर कम से कम पे करना चाहता है. और टैक्स इवेजन क्या है? वो पे ही नहीं करना चाहता, वो जानबूझकर गलत कर रहा है, जानबूझकर फ्रॉड कर रहा है, इंटेंशनली जानबूझकर सोच समझकर किया गया फ्रॉड टैक्स इवेजन, जब हम जानबूझकर टैक्स की चोरी कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन. जैसे कि इसमें एक एग्जांपल हो सकता है, मैंने अपने प्रॉपर अकाउंट रिकॉर्डिंग नहीं बना रखे, रजिस्टर्स को इधर उधर रख दिया, जो मिल नहीं रहे, तो जानबूझकर मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिससे मैं टैक्स पे ना कर पाऊं और बच जाऊं. बट ऐसा कभी होता नहीं, अगर हम टैक्स इवेजन करेंगे तो गवर्नमेंट के और भी रूल्स हैं, फिर हम पर वो सब लग जाएंगे या हमें उस तरीके से पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, एंड दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज टैक्स अवॉइडेंस एंड व्हाट इज टैक्स इवेजन. तो अवॉइडेंस टैक्स तो दे रहे हैं पर कम से कम देना चाहते हैं, इवेजन टैक्स की चीजें डायरेक्टली जान बूझ कर इंटेंशनली चोरी करते हैं. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन.
फाइल लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्स्ट मैनेजमेंट। टेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है? टेक्स्ट को मैनेज करना। और टेक्स्ट को मैनेज कैसे कर सकते हैं? प्लान करके। टेक्स्ट लाइबिलिटी को कम से कम करना है, इनकम को ज्यादा से ज्यादा बनाना है। तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने टेक्स्ट प्लानिंग में क्या डिफरेंस है और टेक्स्ट मैनेजमेंट में, इन दोनों टर्म्स में जैसे हम बोलते हैं तो सेम लगता है बट इनमें डिफरेंस क्या है, ये चीजें भी मैंने नोट्स में लिंक कर दी है। डिफरेंस तो डिफरेंसेस मैंने ऑलमोस्ट सभी के आपको नोट्स में भेजे हैं। टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस आप जरूर पढ़िएगा। और ये सारे के सारे नोट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज थ्योरी पार्ट में इनकम टैक्स में जो भी आएगा वो हिंदी में से आएगा, तो आप इनको अच्छे से जरूर पढ़ें। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे आराम से पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। सो आई थिंक ये आपको समझ आया, आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ पाए, बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स देन वी विल डिस्कस इट ऑन फोन ऑल्सो और यू कैन राइट इट ऑन इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो। सो आई थिंक इट इज ऑल फॉर टुडे। गुड लक, हैव अ नाइस डे।